इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तो जानते हैं कि बीमारी तेजी से बढ़ रही है। दुआ कीजिए कि सब खैरियत से रहें। सभी हमेशा मास्क पहने हुए हो, सैनिटाइजर्स यूज़ किए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सरकार ने सिविल हॉस्पिटल के साथ ही साथ ज़िले में अभी और भी ठिकाने जैसे निपानी है, गोकाक है, रामदुर्ग है, कुर्ची है, ये भागों में भी ट्रीटमेंट के लिए सेंटर्स ओपन कर चुकी है। बेलगाम सिविल हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है यहाँ पे, और साथ ही साथ केली हॉस्पिटल हो, लेकव्यू हो, वीनस है, वेनोग्राम है, ये हॉस्पिटल्स भी बेड्स अवेलेबल किए हैं। और पीर के रोज से कुछ और हॉस्पिटल भी ओपन करके कोविड पेशेंट्स को लेना चालू करेंगे। अंजुमन इस्लाम की यही कोशिश रही है कि जितना हो सके सबके काम आए, सबकी मदद करें, चाहे हेल्थ के मामले में हो और भी जो हो, मेडिसिंस हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। और यहाँ पे शरिया के हिसाब से दफनाने के लिए भी हो। कई रिक्वेस्ट हमें आए थे कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल चालू करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वक्त लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। हमारी कोशिश चली है उस बारे में भी, लेकिन इससे सरकार की परमिशन भी चाहिए और उससे ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस, आयास, सपोर्टिंग स्टाफ, इनकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर्स और नर्सेस के बगैर यहाँ पे हॉस्पिटल चालू करना नामुमकिन है। हमने सीनियर डॉक्टर से बात की है और कई एनजीओस को भी रिक्वेस्ट किया है, कोई डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि अपने नाम दीजिए, यहाँ पे आके खिदमत करने के लिए। अल्लाह अगर चाहेगा, कोशिश तो हमारी यही है कि हम जितना हो सके उतना ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाइयाँ, और जो हमारे नौजवान डॉक्टर्स हैं जो घर पे जाके ट्रीट करने के लिए तैयार हुए हैं, वो भी चालू कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल को जाए बगैर असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं जिसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, वो घर पे ही उनका इलाज हो, कोशिश हर बात की चली है। दवाई जो भी ज़रूरत है अंजुमन इस्लाम से रابطہ कीजिए। हम इंजेक्शन दवाई का बंदोबस्त कर रहे हैं, सिलेंडर्स भी घर पे पहुंचाने के बंदोबस्त कर रहे हैं। सबका यही मकसद रहना चाहिए कि कोई हमारा आदमी या हमारे बहन या हमारे बुज़ुर्ग इस बीमारी का शिकार ना हो, वही हमारा कोशिश और हमारी दुआ रहना चाहिए। और हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी, तो ये भी कोशिश सब मिलके करें कि इनकी मुश्किलात जो है वो आसान कैसे हो। यही अंजुमन इस्लाम कोशिश कर रहे हैं और हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि मकसद और कोशिश सिर्फ यही रखिए।
कोई भी एक आदमी बीमार होता है तो पूरा घर परेशान होता है, पूरा मोहल्ला परेशान होता है। सब मिलके एक दूसरे का हाथ बढ़ा के, एक दूसरे के साथ मिलके, और एक बार मैं स्ट्रेस करता हूँ कि कोशिश सब मिलके करेंगे कि जो भी बीमार है हर तरीके से उसकी खिदमत करेंगे। इसमें ना तो सियासत है, इसमें ना तो कोई और चीज़ है, ना तो फोटोग्राफ्स है, ना तो अपनी वाहवाह करने की चीज़ है। सिर्फ मकसद कि वो इंसान अच्छा हो और हम किस तरीके से उसकी खिदमत कर सकें वो हिसाब से हम खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से अभी सदर साहब ने बात की, खासकर ये जो बाहर चला है माहौल के अंजुमन में इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश चली है, छोटे साहब बात कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। सबसे पहले तो अगर हॉस्पिटल खोलना है तो उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, डॉक्टर के साथ नर्स, हेड नर्स, ब्रदर्स, फिर क्लीनिंग करने वाले, यहाँ तक कि उसका संडास पेशाब साफ करने के लिए वो खासकर वो लोग होते हैं। इस सब देखना है। कुछ लोग बाहर से बोल रहे हैं कि अंजुमन कुछ नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को नहीं दिख रहा, बाकी पूरी आवाम को दिख रहा है कि क्या हो रहा है बेलगाम में। जो कुछ लोग हैं अल्लाह के वास्ते वो पॉलिटिक्स ना करें इस वबा में भी, अल्लाह के वास्ते सर अभी ये वबा का टाइम है, सब मिलकर हर इदारा, हमारे बागवान वेलफेयर से पकड़कर, इकरा से पकड़कर, जो भी है, रहबर है, मदीना है, सब लोग साथ में मिलकर इस वबा को पहले हमारे बेलगाम शहर से निकालें। और इसको बेलगाम शहर से अगर अगर आपको ये वबा निकालनी है तो पहले सोशल डिस्टेंस का आप मेंटेन करें, और आजू बाजू में जो भी आपकी गंदगी है उसको साफ रखें, मास्क पहने। तुम्हारे लिए छोटे साहब दिल्ली आके यहाँ ठहर रहे हैं, हम ठहर रहे हैं, अशफाक भाई है, अमजद भाई है, आमीन है, समीर है, कादर भाई है, पूरी टीम ठहरी है, डॉक्टर नबील, अभी हमारे तीन जो एक्टिव मेंबर है वो परेशान होकर घर में हैं, बीमार हैं, अपनी जान पर खेल कर ये काम कर रहे हैं लोग, फिर भी ये लोगों को शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। कल मुझे कम से कम 10 से 15 फ़ोन आए कि आपके अंजुमन में बेड डाले हैं क्या, बेड, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो आप, लोगों की हेल्प करो आप, उनको सिलेंडर्स की ज़रूरत है, उनको दवाइयों की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दो। हॉस्पिटल में हम लोग 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हमारे डॉक्टर्स, जो परसों मामलों हैं उसके बाद में 2 दिन से हमारे डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठा रहे। आप एक चीज़ को पकड़ के मत चलिए, अल्लाह के वास्ते हम सब मिलकर इसको लड़ेंगे, इस वबा को यहाँ से ख़त्म करेंगे। अंजुमन बेलगाम वालों के साथ है, साफ बेलगाम वालों के साथ खड़े हैं, पूरी टीम लगी हुई है। बस ज़्यादा मैं इससे आप और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह हाफिज़।